साहब, पांच तारीख बिस्मिल साहब और सब पुलिसिया, आपने हम साथियों को यहाँ बुलाया और इज्जत बख्शी है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत प्यार करने वाली पुलिसिया और बहुत अच्छे लोग खुदा के, जिनमें हमें आज खिदमत का मौका मिला और मैं इसी तरह सारे साथियों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं और अपनी आप सबको हम वेलकम करते हैं खुदाओं की प्रेजेंस में। आइए कुछ देर हम खुदाओं की हमदो स्तुतिश को जारी रखेंगे। मट्टी की तरह हाथों में तेरे, मट्टी की तरह
कोशिश कर सकते हैं, उसके बगैर कहीं कर नहीं कर। ऐसी प्रस्थिति जो बाप को बांध सके वो पात्रों की मदद से ही हो सकती है। हर कोई कहते हैं अपने दिल पे हाथ रखे सच बोले मिर्चे लगती है। ये गीत ही ऐसा है, ये गीत
गीत नहीं है, आप गाकर मुरादी कर रहे हैं, आप गाकर उसके अजीब कामों का बयान कर रहे हैं, आप गाकर बता रहे हैं कि यीशु जैसे कोई नहीं है। हालेलुया। और ये इस गीत में मैं हर दफा कहता हूँ कि लोग आपको पता ही है कि इस मूवी में ज्यादातर तो झूठी बोलते ही बोलते और टेलीविजन पे बहुत ज्यादा बोलते, लेकिन उनके मुंह बड़े पक्के होते हैं, बड़े सॉलिड सॉलिड फेसेस बना के वो झूठ बोलते हैं, तो नहीं डरते हैं झूठ बोलते हुए। तो अगर वो झूठ बोलते हुए नहीं डरते तो हम सच बोलने से क्यों डरेंगे? सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? किसका जिक्र सुनाते हैं,
कैसे कि वो कितनी बड़ी बात है जिसमें लेकर उसे आ जा रहा है। अजय अपना रूप बता के आया यीशु यार सदे आपको क्या करना होगा? अगर आप अपना जोर इस्तेमाल करेंगे वो मर जाएगी। आपका और उसका फर्क बहुत ज्यादा है। जरूर है कि आप चुंटी बंद कर जाएं और उसे बताएं कि तू हलाकत की तरफ जा रही है, तो वो आपकी बात समझेगी और हलाकत से बच सकती है। लेकिन बिली ग्राहम कहते हैं कि चुंटी का और इंसान का फर्क इतना नहीं है, मगर हमारा और खुदा का फर्क इतना ज्यादा है कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसी पे मालिश नहीं की जा सकती। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दी ताकि आप महसूस कर सके कि ये कितनी बड़ी बात है जो मेरे लिए हो गई कि वो आ गया। हालेलुया। वो आ गया। जन्म खुदा दे पुत्र लेता बात में रखी होती, बाकी सब कुछ मालूम होंगे आखिर चीज।
ए वाली रखी होनी जेडी पहले होनी चाहिए। आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है वो सबसे पहले होना चाहिए ना। आंखें बंद करें, हाथ उठाएं, सोचें कि आप है और खुदावंद है। ये नहीं देखना कि लोग हैं, सोचें आप अकेले हैं, यहाँ पर खुदावंद है और मेरे पीछे वो मांगे जो असल बात है। जमीन पर
हर कृष्ण
जिदा है
ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੋ ਹੁਣੇ ਖੀਰ ਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਜ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪ ਸੇ ਡਰੇ ਤੋ ਯਿਸੂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬੁਲਾ ਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੁਖਾਲਫੋਂ मेरा फैसला तेरे दर से
दिखा दे तेरी आंखें सच को परख ले। शायद बहुत से यहाँ पर है जिनको खुदावन कह रहा है अपना जोर मारना छोड़ दे, इस मामले को मुझ पे छोड़ दे, मैं खुद हैंडल कर सकता हूं। फिर से कहें, मैं बेगर्ज हूं तो सिर्फ तुझको पुकार, तू सुनता है खुदावन मैं तुझको पुकार, मैं बेगर्ज हूं तो सिर्फ तुझको पुकार, तू सुनता है खुदावन मैं तुझको पुकार, मेरा फैसला तेरे दर से वो सादे तेरी आंखें सच को परख ले, बिता दे मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादे तेरी आंखें सच को परख ले, बिता दे यहोवा। आपके साथ क्या लोग कर रहे हैं और आप इस पोजीशन में भी नहीं होते क्योंकि लोग बड़ी मुकारी से वो सब कुछ कर रहे होते हैं और आप किसी को बता भी नहीं सकते होते, आप किसी को ना बताएं, आप खुदावंद को बताएं, खुदावंद को बताएं। फिर से कहें, यहोवा तुझी से दुआएं की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही। फिर से लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी यार बादशाह हम तेरी मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चे हैं वो अपना हाथ लगाएं, 12-13 साल तक के
जब ये दुआ खत्म होगी आपने भी दुआ करनी है और उस दुआ के दौरान खुदावंद का होली स्पिरिट हमें टच करेगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले ये गाएंगे, एक काम नया तू करेगा, पिया माने Yeah.
मेरी दरखास्त है भगवान खदम अमून प्रवेश से के वो दुआ में रहनुमाई करें अगले सेशन के लिए। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को सारी इज्जत सारा जलाल देते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा तेरी हजूरी में ही हमारी कामिल शादमानी हमारी बरकत बहाली और बेदारी है खुदा खुदा। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरा कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदा खुदा। जैसे हम